नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम। टैकी बाबा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस मिनी हैंडी कूलर की। इसको आप मिनी कूलर या मिनी एसी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत ही छोटा है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसका बॉक्स है। इसका बाहरी कवर देख सकते हैं कि ये किस तरीके का दिखता है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक चार्जर मिल जाता है यहाँ पे, और चार्जर की लेंथ यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आपका पोर्ट दूर भी है तो आपको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। अभी इसको करते हैं साइड में और निकालते हैं मेन डिवाइस को। तो ये मेन डिवाइस आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे सामने की तरफ ग्रिल दिया हुआ है जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ऑन ऑफ का एक ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे फैन ऑन या ऑफ करने के लिए फैन के दो मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इसकी डिजाइन है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें सेल के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे चार सेल लग जाते हैं। लाइट अगर नहीं आ रही है तो इसमें सेल डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऊपर की तरफ एक हैंडल भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से कहीं उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसको खोल के देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। और इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसका ये ढक्कन अलग हो जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक का एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसको आप बाहर निकाल भी सकते हैं। कैप दिया हुआ है, इस ब्लैक कैप को आप ओपन करने के बाद इसमें आप पानी भर सकते हैं और इसमें 800 ml तक पानी आ जाता है, जो कि काफ़ी देर तक चलता है। करीब 8 घंटे ये आपका आसानी से चल जाता है। अभी इसको बंद करते हैं और फिट करते हैं। तो मैंने इसमें पानी भर लिया है। अब हम इसको फिर से पुट कर देते हैं और इसको बंद करके देखते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे होल्डर दिया हुआ है और उस होल्डर में ही आपको इसको फंसाना है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें हम चार्जर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कूलिंग कितनी अच्छी करता है। तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। सो ये मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे एलईडी लाइट जल चुकी है जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और इसकी हवा काफ़ी ठीक ठाक है। जो इसका साइज़ है उसके हिसाब से इसकी हवा काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। तो ये बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका प्राइस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं शिवम आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।